नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे जोमैटो के बारे में। देखिए, जोमैटो इंडिया का सबसे बड़ा फूड टेक स्टार्टअप है जो तकरीबन एक दिन में 15 लाख से ज़्यादा फूड ऑर्डर की डिलीवरी किया करता है। लेकिन 2 साल पहले तक जोमैटो एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप था। इस लॉस मेकिंग स्टार्टअप की इमेज को तोड़ते हुए इन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया और कई सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस मॉडल के अंदर एक्वायर किया। अगर मैं बात करूँ जोमैटो के अंदर कौन से अच्छे स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हैं, तो हाइपर प्योर, फिडिंग इंडिया और ब्लैंकेट, ये वो स्टार्टअप है जिन्होंने जोमैटो को एक लॉस मेकिंग इमेज से हटा के प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे पहुंचा दिया। और अब खबर सुनने में आई है कि जोमैटो अपने नाम को चेंज करके इटर्नल्स नाम रखना चाहता है। हालांकि इनके सीईओ ने ऑफिशियली ये बताया कि कंपनी ऑफिशियली अपने नाम को चेंज करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंटरनली कुछ चेंजेस करना चाहती है। अगर ऐसा हो पाया तो जोमैटो अब एक पेरेंट कंपनी की तरह काम किया करेगा और इसके अंदर काम करने वाले सारे स्टार्टअप इसके सब्सिडी कंपनी की तरह काम किया करेंगे और हर एक स्टार्टअप का अपना एक सीईओ होगा, हर एक स्टार्टअप की अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी होगी, अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि हर एक स्टार्टअप का सीईओ अपने स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपनी टीम के साथ काम किया करेगा। इस तरह से जोमैटो के अंदर काम करने वाले हर एक स्टार्टअप की ग्रोथ होगी और अल्टीमेटली धीरे धीरे जोमैटो की भी ग्रोथ हो जाएगी।